झांसी के एसएसपी राजेश एस के निर्देशन में अवैध शराब बिक्री और बनाने के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत झांसी प्रेमनगर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें थाना प्रेमनगर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर शराब बनाने की भट्टी और 50 लीटर अवैध शराब बरामद कर ली। जानकारी के अनुसार प्रेमनगर थाना प्रभारी निरीक्षक संजय शुक्ला, उप निरीक्षक देवराज मौर्य, कांस्टेबल उपेंद्र कुमार, राजकुमार भारद्वाज, पंकज अरविंद कुमार, मुनेश कुमार ने मुखबिर की सूचना पर नया गांव नाले के पास छापेमारी करते हुए पहुंचे, जहां पर उन्होंने भट्टी लगाकर अवैध शराब बनाने के अड्डे पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस टीम ने नया गांव निवासी दीपक, राजकुमार और मध्य प्रदेश की छोटी बडोनी दतिया निवासी सुरेंद्र पाल को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 50 लीटर अवैध शराब और एक भट्टी बरामद करते हुए 100 लीटर लहन नष्ट किया। संवाददाता पारस शर्मा के साथ संदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट।